केंद्र सरकार वालों जो किसानों के नाल मीटिंग दे विच प्रस्ताव रखा गया सी कि चार फसलों के उपर असी 5 साल लई MSP देवांगे, तो इस मुद्दे के उपर किसानों ने मंथन करके विचार सांझे करन दा फैसला लिया सी। तां हुण अज काफ़ी लंबे समय की जिहड़ी है मंथन किया गया किसानों वालों, तो हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस दे विच सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि सानू केंद्र सरकार ने जो है मता दिता है ये सानू मंजूर नहीं है, सानू सिर्फ C2+50% MSP गरंटी चाहिए है। पंधेर ने कहा है कि 23 फसलों के उपर सानू MSP लीगल कानून बना के सरकार देवे। नाल दी नाल उन्होंने कहा है कि जेकर साडियां मंगां नहीं मानदी केंद्र सरकार तो फिर असी 21 फरवरी नू जिहड़े 11 बजे दिल्ली जाण दा ऐलान किया होया असी उसनू फिर अगे वधावांगे। तो हुण इंतजार है केंद्र सरकार के फैसले का, पर जो केंद्र सरकार ने अपनी तजवीज़ रखी सी कि असी 4 फसलों के उपर MSP देवांगे 5 साल की, उन्होंने कहा है कि सानू मंजूर नहीं है। किसान जिहड़े है वह इस दे उपर ऑब्जैक्शन कर रहे हैं कि 5 साल बाद फिर MSP कौन देगा, जेकर सरकार बदल जाती है जां कुछ होर हो जाता है तो फिर सानू दोबारा धरने लगाने पैणगे। तो अज जिहड़ी शंभू बॉर्डर के उपर किसान जथेबंदियों वालों मीटिंग की गई है, तो मीटिंग तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, और इस कॉन्फ्रेंस के विच सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी दी है कि 23 फसलों के उपर सानू सरकार MSP लीगल कानून बना के दवे, ते साडे नाल जिहड़ी जो तुसी सानू अपनी पेशकश दित्ती है उह सानू मंजूर नहीं है। इस तों इलावा सरवण सिंह पंधेर ने जो मंत्रियों के समय से भी सवाल खड़े किए हैं कि मीटिंग का सद्दा देंदे है तो 3-3, 4-4 घंटे लेट पहुँचते हैं, इस दे नाल साडा समय खराब हो रहा, सानू मीटिंग हाल दे विच इंतजार करना पैंदा है, असी समय से पहुँच जाने पर मंत्री जिहड़े है केंद्र दे वो 3-3 घंटे लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सरकार इत्थों पता लगता है कि किसानों दी मंगां दे प्रति सीरियस नहीं है, किसान मंग अपनी मनाउण दे लई वाजिद है पर केंद्र सरकार साडी सुनण दे लई तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जो सानू प्रपोजल भेजे उन्होंने कि 4 फसलों के उपर आप MSP देवांगे 5 सालों लई, पर हुण किसानों ने कहा कि सानू 23 फसलों के उपर MSP चाहिए है और इस दे उपर MSP दा खरीद गरंटी कानून भी चाहिए है। तो जेकर गल नहीं निबड़ती सरकार नू हुण समा दिता गया कल दा यानी कि 20 फरवरी दा, जेकर 20 फरवरी तक कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर 21 फरवरी नू सवेरे 11 बजे किसान जिहड़े आ उह दिल्ली नू चाले पाणगे। ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है, अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। तो जैसे हरि दामोदरन जी का भी जिक्र है, अभी एक स्टडी करता के लिया था, हरीश दामोदरन, उन्होंने भी कहा अभी भाई आप फार्म जो तेल बीज है 1,75,000 करोड़ का बाहर से मंगवाते हैं, तो यही अगर आप MSP लीगल गारंटी कानून बना देंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे अधिक राशि की आवश्यकता है। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार MSP गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है MSP लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं और इस पर ही आगे बात होगी। अब भारत सरकार बताएगी हमें कि उन्होंने कर्ज माफी के ऊपर का क्या क्या अभी तक स्टडी की है। उन्होंने हमने तो अपना विचार विमर्श करके आपको बता दिया कि हमारे मन में ये, हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब कर्ज के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी, वो क्या कर रहे हैं, जैसे गन्ने के ऊपर C2+100% और C2+50% का जो फार्मूला है उसके ऊपर भारत सरकार क्या कर रही है। इसी के साथ जैसे WTO से हमने बोला भी खेती सेक्टर को आप बाहर निकालिए, जैसे नरेगा पे ऊपर बात थी भी 200 दिन और 700 रुपया दिहाड़ी, ये सब बातों के ऊपर मंत्री महोदय बोलकर गए थे भी हम भी दिल्ली जाएंगे और वहां से अपनी सरकार से विचार करने के बाद इनको बताएंगे। तो दूसरा, जैसे भारत सरकार बिहार दिखा रही है मीटिंग्स में,